भारत में टेरर फंडिंग मामले में ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय, लश्कर सरगना और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से जुड़ी संपत्तियों को खंगालने में जुटी। कश्मीर समेत कई जगहों पर हाफिज सईद की 6 बेनामी संपत्तियों की जानकारी मिली है, जिन्हें जल्द जब्त किया जाएगा। ईडी टेरर फंडिंग मामले से जुड़े 13 मामले की जांच कर रही है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय को पता ये भी चला कि कई एनजीओ ने आतंकियों के लिए फंडिंग की थी। लखनऊ में कल कश्मीरी युवक की पिटाई के मामले में पीएम मोदी ने आज कहा कि इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने फौरन कार्रवाई की है। पीएम ने दूसरे राज्य सरकारों से भी अपील की कि अगर कहीं भी इस तरह की हरकत हो रही है तो कड़ी कार्रवाई की जाए। परसों लखनऊ में कुछ सिर फिरे लोगों ने हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जो हरकत की थी, उस पर यूपी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की और इसके लिए मैं योगी सरकार को बधाई देता हूं। मैं अन्य राज्यों से भी आग्रह करूंगा कि जहां भी ऐसी हरकत करने की कोई कोशिश करे, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हमें आतंकवाद को खत्म करना है, हमें आतंकवाद को जड़मूल से उखाड़ के फेंकना है, एकता के मंत्र को लेकर के चलना है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी हार्दिक पटेल पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन बीजेपी ने बिना समय गवाए इन अटकलों पर ही कांग्रेस और हार्दिक पटेल को चुनौती दे डाली। मंत्रों को कांग्रेस को पूछना चाहिए, आप तो बोल रहे थे ये तो समाज का काम कर रहे हैं, इसलिए साथ दे रहे हैं। ये नहीं था, अपना एजेंडा साफ था, भारतीय जनता पार्टी को हराना वो नहीं हरा सके, फिर ज्वाइन कर रहे तो हो जाएगा दो दो हाथ। उधर कांग्रेस भले ही हार्दिक पटेल पर चुप है, मगर उसकी करीबी आरजेडी ने हार्दिक की राजनीति में एंट्री का स्वागत किया। अच्छा है, स्वागत है उनका, नौजवान आदमी है, नौजवानों की ऊर्जा के साथ आएंगे राजनीति में और लंबी पारी उनके सामने होगी तो अच्छा होगा। पुलवामा हमले के बाद भारत में दहशत फैलाने के लिए आतंकियों ने एक बार फिर बड़ी साजिश रची है। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक इराक और सीरिया में सक्रिय है आतंकी संगठन आईएसआईएस भारत पर आतंकी हमला कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के कुछ बड़े नेता हैं, जबकि दिल्ली में काम कर रहे भारत सरकार के कुछ बड़े अधिकारियों पर भी हमले की साजिश रची जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक खुरासान मॉड्यूल के आतंकी इसी महीने ये हमला कर सकते हैं। खुरासान मॉड्यूल पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीके तालिबान का हिस्सा है और इस संगठन पर 2017 में मध्य प्रदेश में ट्रेन में ब्लास्ट करने का आरोप है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। सिक्किम की मुख्य विपक्षी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। हमारे स्टेट पार्टी के टीम के साथ वो हमसे भी मिलने के लिए आए थे। लगभग दोनों पार्टियों के बीच चुनाव मिलकर लड़ने के विषय पर एक सहमति बनी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल में महिलाओं के लिए रिजर्व पार्किंग की व्यवस्था की गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व आईजी शफाकत वटाली श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक रैली में शामिल हुई। जम्मू बस अड्डे पर हुए एक ग्रेनेड हमले में एक और घायल की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। यूपी के सहारनपुर में एक कारोबारी से रिश्वत लेने के आरोप में एक पुलिसकर्मी को पकड़ लिया गया। पूर्व नौसेना प्रमुख एल रामदास ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा और पुलवामा आतंकी हमले और विंग कमांडर अभिनंदन से जुड़ी तस्वीरों के राजनीतिक इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल में नगर निगम ने महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाए जाने का आदेश दिया। कोर्ट ने इसके लिए पूर्व जज खलीफुल्ला, श्री श्री रविशंकर और श्री राम पंचू का पैनल बनाया है और तीनों मध्यस्थ 4 हफ्ते में कोर्ट को प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपेंगे और 8 हफ्ते के बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को देंगे। सुप्रीम कोर्ट के सुझाए तीनों मध्यस्थ फैजाबाद में रहकर अयोध्या विवाद पर मध्यस्थता की कोशिश करेंगे। ये हमने भी अभी एयरपोर्ट में ही सुना था ये बात, अभी देखते हैं ये देश के लिए अच्छा होगा, मीडिएशन से ही भला बने। आई अंडरस्टैंड दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज अपॉइंटेड अ मीडिएशन कमिटी हेडेड बाय मी। आई हैव येट टू रिसीव द ऑर्डर कॉल, देयरफॉर
For the present, I can only say that if the committee has been constituted, we will take every effort to resolve the dispute.